नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम देखेंगे कि भारत में जो सबसे बड़ा और सबसे लंबा और सबसे छोटा आखिर क्या है और देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए करते वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक सजेशन दे दें कि आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास वाले जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है उसकी सूचना आपको लगातार आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लिख रहा है कि पहला सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत में कौन सा है, तो है राजस्थान। ये देखते रहेंगे आप लोग, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि बड़ा राज्य जो जनसंख्या में है, बड़ा तो है लेकिन जनसंख्या में, तो वो कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, पिछले साल RRB ग्रुप डी में पूछा गया था, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा रहा है इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ बढ़ते, लिख रहा है कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। तो गोवा देख लेंगे आप लोग, इसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर चार हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर चार भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चार लिख रहा है कि सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में, तो सबसे छोटा राज्य जनसंख्या वो क्या है, वो क्या है, सिक्किम। सिक्किम है, बहुत ही फेमस ये भी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, लिख रहा है कि बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो सबसे बड़ा जो जिला है तो वो हमारा कक्ष है, जो कहाँ किस राज्य में है, वो है गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में एक ऐसा जिला है जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो क्या है, कच्छ। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन फाड़ के रख देंगे, बता दे रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर छः हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर छः लिख रहा है कि सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला है पुदुचेरी यानी कि माहे। और चलिए क्वेश्चन नंबर सात की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर सात हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, सबसे ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो K2 देखेंगे आप लोग, K2 या गार्डविन आइंस्टाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये भी है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है उसकी सूचना आपको मिलती रहे, लगातार मिलती रहे। यहाँ पर इस चैनल पर लगातार आपको कंपटीशन एग्जाम जीके के क्वेश्चनों को लगातार कराया जा रहा है, लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो आपको हमारे चैनल से अभी जुड़ जाना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि सबसे चौड़ी नदी, तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दस की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर दस भी हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, लिख रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है गोदावरी। चलिए क्वेश्चन नंबर तो 11 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, लिख रहा है कि सबसे लंबी सहायक नदी, जो हमारे देश की सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है, तो है यमुना नदी। यमुना नदी क्या है, हमारे जो भी देश है उसकी सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, सबसे बड़ा झील, तो सबसे बड़ा झील कौन सा झील है, तो वो है बुलर झील। बुलर झील यानी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो ताजे मीठे फल की बड़ी झील, तो ये कौन सी है, बुलर झील है, ये भी वहीं पर है बुलर झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारे स्क्रीन, खारे यानी लौड़ी जल की बड़ी झील, तो है चिल्का झील। ये कहाँ पर है, गुजरात में भी है। सबसे ऊँची झील, तो सबसे ऊँची झील कहाँ है, सिक्किम है, चोलामू झील है, चोलामू झील नाम है इसका, और कहाँ है, सिक्किम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और दे रहा है कि बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है, तो देश में गोविंद सागर झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे लंबा समुद्र तट, तो सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, वो है मरीना बीच चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कि लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो है गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला ये कौन सा स्टेट है, राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग इन छोटी छोटी क्वेश्चनों को आंसर नहीं दे पा रहे तो आपका पढ़ाई बेकार है, आप पढ़ने लायक नहीं है, बिल्कुल ही मत पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, तो छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटी जो तटरेखा है वो कौन सा है, तो देखेंगे आप लोग इंडिया के मैप में, यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ पर एक छोटा सा राज्य करके, वो है गोवा।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वो हो जाएगा गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। लंबी तट रेखा यानी कि प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है, वो है कौन सा है, बहुत ही भेरी भेरी मोटी बड़े ये थे, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर तो 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा कौन सा बांध है, तो भेरी भेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ईयर है, भेरी भेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, यूपीएससी जैसे एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए सबसे ऊंचा बांध है कौन सा बांध है, तो वो है टिहरी बांध, उत्तराखंड में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये लोग बहुत अच्छे से देखेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। और सबसे लंबा बांध, इससे ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध, यानी कि महानदी पर ये बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 23 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो नेशनल हाईवे 7 2369 किलोमीटर की दूरी से लंबा है या चौड़ा है, यानी कि नेशनल हाईवे 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा कौन सा है, तो है 47 यानी कि 6 किलोमीटर का, यह सबसे छोटा ये क्या है, राजमार्ग है, यानी कि सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग कुल देखेंगे 50 क्वेश्चनों को, तो 25 क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे स्क्रीन पे। तो सबसे लंबी सड़क, तो सबसे लंबी ग्रैंड ट्रक रोड, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 26 सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी कि थार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ईयर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ISPCS और RRB ग्रुप डी और NDA जैसे और UPPPCS में बहुत सारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चनों को रिपीट किया गया है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए सबसे बड़ा डेल्टा, तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा यानी कि पश्चिम बंगाल में, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये सबसे लंबी पुल, सबसे लंबा नदी पुल, तो महात्मा गांधी सेतु वह पटना में है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग पटना जाएँ तो जरूर यहाँ पर जाएँ, बहुत ही यहाँ पर पर्यटकों की दृष्टि के लिए बहुत ही यहाँ पर भीड़ होता है, आप पटना जाएँ तो एक बार यहाँ पर जरूर जाएँ, मैं तो चला गया हूँ, आपकी बारी है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बड़ा गुफा मंदिर वो है कैलाश मंदिर यानी कि एलोरा की गुफाएं हैं, इन लोगों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 लंबी सड़क सुरंग कौन सा है, तो वह है जवाहर सुरंग, जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 31 लिख रहा है कि सबसे लंबी रेल सुरंग, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह है पीर पंजाल यानी कि जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 ही लंबा रेल मार्ग, तो सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक क्या सबसे लंबा ये क्या है, रेल मार्ग है यानी कि रेलगाड़ी का ये जो रास्ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। तो लिख रहा है लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म तो है अपना गोरखपुर, बहुत ही फेमस है अपना गोरखपुर, तो यहाँ पर आ ही गया, हम इसी को ढूंढ रहे थे। तो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म यानी कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर है, हमारे गर्व की बात है कि हमारे शहर हमारे प्रदेश में यह स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और लिख रहा है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है, प्राकृतिक यानी कि प्राचीन काल से ये यहाँ पर स्थित है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, सबसे बड़ा और सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ये हमारे पे इस पे एक सेक्रेट वीडियो बना हुआ है इस सम्मान पे कि कौन सा ये है, भारत रत्न, भारत क्या है, भारत रत्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, तो चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 लिख रहा है कि सबसे लंबा सैनिक सम्मान तो है क्या है, वो क्या है, बहुत ही कह सकते हैं हमारे इंडिया के लिए गर्व की बात है, तो वो है क्या, परमवीर चक्र है, ये है परमवीर चक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते, सबसे बड़ा जलप्रपात, तो सबसे बड़ा जलप्रपात यानी कि सबसे बड़ा क्या है, इसको बोलते हैं जलप्रपात को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं झरना, जो पानी ऊपर से गिरता है इसको बोलते हैं जलप्रपात, वो कहाँ है, तो है जोग, कहाँ है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, हैं जोगरसोप्पा यानी कि कर्नाटक में यह स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, लंबी नहर, सबसे लंबी नहर का क्या नाम है, तो है इंदिरा गांधी नहर, वो कहाँ स्थित है, राजस्थान में यह बनवाया गया था अंग्रेज, जो क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की बहुत दुविधा थी, तो अंग्रेजों ने वहाँ पर नहर की व्यवस्था करवाई और वहाँ पर किसानों के द्वारा वहाँ पर क्या किए, उन लोगों का हनन किया और वहाँ पर बहुत सारे खेतीबाड़ी किए और खेतीबाड़ी करके क्या किए, उन किसानों का हनन करते थे और वहाँ पर अपना जो भी सब्जी है वो छोटे छोटे भूखंडों में यहाँ पर क्या करते थे, निकलवाते थे, जैसे वहाँ पर क्या करते थे,
नील की खेती वहाँ पर क्या करते थे, किसानों के द्वारा करवाते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे ऊंचा दरवाज़ा, तो सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है जो कहाँ है, आगरा होनी की उत्तर प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। और सबसे बड़ा लीवर पुल, सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज है जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 लिख रहा है कि गहरी नदी घाटी, तो गहरी नदी घाटी कहाँ है, तो भागीरथी यानी कि अलकनंदा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, जो सबसे अधिक वर्षा यानी कि बहुत ही भेरी भेरी कह सकते हैं, भेरी भेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ये बार बार लगातार क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह मासिनराम यानी कि मेघालय में यह स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। लिख रहा है कि सबसे ऊंची मीनार, तो सबसे ऊंची मीनार कहाँ पर है, तो सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार यानी कि नई दिल्ली, हमारी जो भी राजधानी है वहाँ पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। लिख रहा है कि बड़ा गुंबद, तो है गुरु गुंबद यानी कि बीजापुर में यह स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, बड़ा मस्जिद यानी कि बड़ा सब भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कहाँ है, तो वो है जामा मस्जिद। वो कहाँ है, दिल्ली में है। तो दिल्ली आप लोग जाएँ तो यहाँ पर एक बार ज़रूर जाएँ, इसके बारे में सुने, इसकी प्राकृतिक जो भी इतिहास है उसके बारे में यहाँ पर जानें। और चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि सबसे बड़ा कॉरिडोर, तो है रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 47 बड़ा चिड़िया गिरजाघर, तो है सेंट कैथरोड यानी कि गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 बड़ा गुरुद्वारा, तो है स्वर्ण मंदिर यानी कि अमृतसर में यह स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारे स्क्रीन, बड़ा गुरुद्वार ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 है बड़ा पशु मेला, तो है सानपुर मेला बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 50 लिख रहा है कि सबसे ऊँची मूर्ति, तो है गुमतेश्वर मूर्ति यानी कि कर्नाटक में है। और ये अगला क्वेश्चन है 51, ये आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं, जरूर बताएं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स